काम ना करें, हमें फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। देखिए व्यापार क्या होता है, आप कुछ चीजें वहां भेज रहे हैं, आप कुछ चीजें शायद वहां से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है ना, ठीक है ना। और अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा डर है, अगर आपकी आपकी जो सोच है वो ये है कि यार मुझे नुकसान हो जाएगा, देखिए बड़ी गहरी बात है, बड़ी बारीक सी बात है, आप इस पॉइंट पे तो सोचते हो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो क्या वो शख्स सामने वाला ये नहीं सोच रहा होगा कि यार मेरा इंडिया से ताल्लुक खराब हो गया तो मेरा नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है रशिया सपोर्ट इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है रशिया सपोर्ट इंडिया, यूएन से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सामने भारत के लिए मजबूती से खड़ा हुआ रूस, भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने के लिए रूस ने लगाई दहाड़। रूस के ऐलान से टेंशन में आया चीन, भारत बनेगा संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य। दोस्ती क्या होती है वो कोई भारत और रूस से सीखे, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तब आपके साथ चलता है जब सारी दुनिया आपके साथ चलना छोड़ देती है। और भारत ने जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद की वो इस लाइन को सच करती है। लेकिन अब बारी रूस की थी, रूस ने यूएन के महामन से ऐलान किया कि वो भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करता है, जिसके बाद खुद को सुपर पावर समझने वाले चीन के दिमाग की बत्ती गुल हो गई, गुल ऐसी हुई कि वो शांत हो गया और रूस ने दिखा दिया कि जितना भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है उतना ही रूस भी भारत के साथ। अब आगे कुछ भी बोले उससे पहले आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं रूसी विदेश मंत्री। Realities. We see the prospect of making the Security Council more democratic exclusively through broadening the representation of the countries from Africa, Asia, and Latin America. We note India and Brazil in particular as key international actors and worthy candidates for permanent membership within the Council, whilst at the same time unilaterally and mandatorily raising the profile of Africa. It is very important today to make sure that all member states unequivocally without reservations reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter as a first and necessary step to restore collective responsibility for the fate of humankind. And that was the reason why in July 2021 a group of friends to support the Charter was created, and co-sponsor of the group was Russia, and it now counts 20 countries. ये पहली बार नहीं है जब रूस ने भारत के लिए दुनिया के सामने ये बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले भी रूस के एंड्री डेनिसोव ने कहा था, हम भारत और ब्राजील के यूएनएससी में शामिल होने का समर्थन करते हैं। रूस सबकी सहमति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान कर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों की अनुपातिक हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। इससे संयुक्त राष्ट्र अधिक लोकतांत्रिक संगठन बनेगा और दुनिया भर के लोगों की बातों को सामने लाया जा सकेगा। रूस चाहता है कि सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीप के देशों का उचित प्रतिनिधित्व हो। हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि यूएनएससी में जितना संभव हो सके सभी का प्रतिनिधित्व हो। सभी मुश्किलों के बावजूद भी यूएन एक अद्वितीय संगठन बना हुआ है। हम इस मंच को बचाए रखना चाहते हैं और इसे और बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। खैर, भारत और रूस के रिश्ते बदलते वक्त के साथ मजबूत होते चले आ रहे हैं, इसका उदाहरण रूस ने कई बार दिया। भारत चीन के बीच जब सीमा पर विवाद खड़ा हुआ तो चीन ने रूस से भारत के साथ सौदा करने से रुक जाने को कहा, लेकिन रूस ने चीन की बातों को खारिज कर दिया और चीन को दी जाने वाली S-400 की आपूर्ति ही रोक दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी जनाब, वही वाली बात कि वो स्टाइल, वो एटीट्यूड, वो तरीक़ेकार कि वाकई पूरी दुनिया के लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, रशिया यूँ समझ लें कि अपने आप में एक सुपर पावर है, यानी कि अगर दो कंट्रियों का नाम लिया जाए, अमेरिका और रशिया, तो ये एक दो कंट्री ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं। अगर इनमें से एक कंट्री किसी का दोस्त बन जाए, और ऐसा दोस्त एक अच्छा एक होता है कि किसी के साथ उसका मजबूरी का सौदा बन जाए। मजबूरी का सौदा ये होता है कि एक बहुत बड़ा कंट्री किसी छोटे देश पे हाथ रखते, मेरी बात आप समझ रहे होंगे इशारा,
वो एक अलग सौदा है, वो एक अलग दोस्ती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अलग मामला है। लेकिन एक इतना बड़ा कंट्री किसी और दूसरे कंट्री के साथ बराबरी का रिश्ता, ये एक बहुत बड़ी बात है। बराबरी के मामला बड़ी बात है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह का रिश्ता रशिया का इंडिया के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यूँ समझ लें कि दो देश जो दुनिया के फैसले करते हैं, अमेरिका और रशिया, इनके हाँ में पूरी दुनिया को हाँ करनी पड़ती है, इनकी ना में पूरी दुनिया को ना करनी पड़ती है। बेशक हम कुछ भी कहें, ये एक सच है। फिर यूएनओ के जो पांच देश हैं हमेशा के लिए मुस्तकिल जो मेंबर्स हैं, उनमें से भी एक मेंबर है रशिया, ठीक है ना, तो उनकी एक कुछ भी करके माननी पड़ती है। तो उनके भारत के साथ इतने ज़बरदस्त ट्रम, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात। और दूसरी बात है कि इतफाक़ ऐसा हुआ कि रशिया का जो ये मामला हुआ यूक्रेन वाला, तो इसके अंदर इंडिया ने पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके साथ दिया, सपोर्ट किया, साथ दिया। अच्छा, वो साथ भी कैसा था? वो साथ ऐसा था कि आपको बाकायदा खड़े रहना था, आपको बाकायदा पूरी दुनिया आपसे कुछ कह रही है, आप वो अल्फाज मुंह से नहीं निकाल रहे हो, दुनिया कह रही है बस आप इतना तो कह दो, बस आप इतना कह दो ये गलत है, आप इतना कह दो कि यार ये गलत कर रहा है, तो आप न्यूट्रल हो, आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना, आपको आपको डर है, आपको खौफ है, ठीक है, ना भी नहीं बोल पा रहे। हाँ, मतलब अल्फाजों का इस्तेमाल तक बता रहे थे। मुझे तो ये वीडियो याद आ रही है कि आप ये अल्फाज यूज कर लें, उस पर साइन कर दें, हम अगर ये लफ्ज निकाल देते हैं कि गलत कर रहा है। एक जगह तो मुझे याद आता है कि एक वीडियो में ये भी कहा गया था कि सिर्फ आप ये कह दें कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो ऑटोमेटिक आप किसके साथ हो? बिल्कुल, वो तो हो जाएगा, आपको खुलकर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह दो कि आप उनके साथ हैं। तो ये चीज भी मतलब बहुत धक्के छुपे अल्फाज में भी बात हो रही थी, लेकिन उस पर भी बहुत सारे कंट्रीज नहीं बोल रहे थे, वो इतना डर रहे थे कि भाई ये आप ये कर दें, वो आप वो कर दें। एक मुझे ऐसा लगता है कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कुदरती तौर पर कोई ना कोई वजह होती है। एक दोस्ती की नई मिसाल कायम हुई है। अच्छा, ऐसा होता है, आप यकीन करें कि 10 लोगों का ग्रुप है, अब 10 लोगों के ग्रुप में से 6 से 7 लोग अगर एक तरफ हैं और 2-3 लोग एक तरफ हैं, या 4-5 लोग, 4 लोग एक तरफ हैं, अगर 6 लोग उस तरफ हैं, तो मैं ऑटोमेटिक कंफ्यूज होंगी कि यार मैं कम वालों के साथ ना जाऊँ, क्योंकि इन्होंने धावा बोल दिया या इन्होंने कुछ कर दिया, तो मेरा भी रगड़ा है, मैं भी फंस जाऊँगी, तो मैं जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे जाऊँ। तो इसी तरह देशों की जो मेजोरिटी थी वो थी इनके हक में, समझ रहे हैं आप, रशिया के हक में नहीं थी, लेकिन वाहिद इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ। इस बात को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया कि बाद में हमारे ट्रम्स क्या होंगे, इस बात को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया कि अमेरिका है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, हमारा उसके साथ ट्रेड है, हमारे बहुत सारे, आपको याद होगा कि एक वीडियो में तो उन्होंने बाकायदा याद दहानी भी दिलाई कि आपको चाहिए कि आप अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं करो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड उनके साथ है। लेकिन उसके बावजूद भी इस हुकूमत ने रशिया का खुलकर साथ दिया, क्रूड ऑयल लिया, आपने देखा दूसरे मामलों में भी, पहले तो न्यूट्रल थे लेकिन बाद में उन्होंने बाकायदा बोल दिया कि हम इनके साथ हैं, और जो भी कर रहा है सही कर रहा है। सियासत जो है एक बहुत ही दिमाग का गेम है कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है सिर्फ। मिसाल के तौर पर मनमोहन सिंह ने याद दिलाया कि यूरोपीय कंट्री के साथ आपका अच्छा खासा व्यापार है, तो आप सोच समझ के ये पंगा लें, रशिया के साथ आपका इतना नहीं है। देखिए बात को, मतलब ठीक है, कितनी गहराई की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो अभी पॉलिसीज़ बनाई हुई इन्होंने, या इन्होंने सोचा होगा कि जो मिसाल के तौर पर कि इंडिया अगर ये सोचता है मेरा व्यापार है यूरोप के साथ, मैं पंगा ना लूँ, रशिया के साथ मेरा इतना व्यापार नहीं है, फ़र्ज़ करते हैं, तो क्या, मतलब आप जहानत देखें, तो क्या यूरोप ये नहीं सोच रहा होगा कि हमारा व्यापार इंडिया के साथ है? बिल्कुल ऐसे ही, और हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें, हमें फ़र्क पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए व्यापार क्या होता है, आप कुछ चीज़ें वहाँ भेज रहे हैं, आप कुछ चीज़ें शायद वहाँ से मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट दोनों होता है ना, ठीक है ना। और अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा डर है, अगर आपकी आपकी जो सोच है वो ये है कि यार मुझे नुकसान हो जाएगा, देखिए बड़ी गहरी बात है, बड़ी बारीक सी बात है, आप इस पॉइंट पे तो सोचते हो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो क्या वो शख्स सामने वाला ये नहीं सोच रहा होगा कि यार मेरा इंडिया से ताल्लुक ख़राब हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे जो चीज़ें आती हैं इतनी सस्ती पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं, जो भी एक्सपायर डेट आती हैं, तो इसका मतलब वो लेते हैं तो आती है ना, खुद से तोड़ के नहीं आते, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी तो हो सकता है। तो बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है, और दूसरे की नफ्सियात को, दूसरे की कंडीशन को, दूसरे के मामलात को, कि अगर क्या रशिया, क्या यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं,
क्या यूरोपीय कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से चीजें जो ले रहे हैं ये सोचना पड़ेगा क्या वो सिर्फ इंडिया ही के पास है। अच्छा, सिर्फ एक तरीके से नहीं सोचना पड़ता, एक एस्पेक्ट पे नहीं सोचते, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं सोचना होता और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं सोचना होता, दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखना होता है और उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, ठीक है ना। तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको इम्पोर्ट इतना ज़्यादा चाहिए नहीं था और उनके लिए नामुल बदल के तौर पे और भी कंट्रीज थे, अगर वहाँ से बंद होता वो इम्पोर्ट रोक लेते, फॉर सपोज एक्सपोर्ट का तो मसला नहीं है, चले ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान था, लेकिन इम्पोर्ट अगर वो रोकते तो इम्पोर्ट दूसरे कंट्रीज से, चाइना, दूसरे एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री है उससे करवा सकते थे। उनका ज़्यादा नुकसान था कि उनको चीज़ों की, अशिया की किल्लत हो जाती क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो जाता। ये चीज़ पॉइंट रखनी पॉइंट में दिमाग में फैसले किए। अच्छा, ये जो चीज़ हम कह रहे हैं ये हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, शायद इस तरह का हो, किस तरह का हो, उस और भी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला किया होगा कि नहीं यार, हमने रशिया को ही साथ देना है, रशिया को सपोर्ट करना है, या हमारे मामला तो नहीं बिगड़ेंगे क्योंकि वो मजबूर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को और भी हाईलाइट करना चाहूँगी, एक कंट्री ऑर्डर दे रहा है और दूसरा वाला क्योंकि उसके मातहत है, उसका सबऑर्डिनेट है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है। ऐसे ही होता है ना कि आपका बॉस आपको ऑर्डर देता है और आप उसके एम्प्लॉय होते हो तो आप उसको फॉलो करते रहते हो। आपका बोलने का उनको या आपका उनको समझाने का या आपका अपना पक्ष रखने का एक तरीके से राइट नहीं होता, ऐसी वाली होती है बॉन्डिंग। कुछ कंट्रीज़ की ऐसी होती है, जैसे आपने छोटे और बड़े देशों की बात करी, तो मैं इस तरीके से ये समझती हूँ कि बड़े देश हमेशा ऑर्डर देते हैं और छोटे वाले फॉलो करते हैं क्योंकि उनका कुछ ना कुछ उनकी छत्र छाया में फ़ायदा होता है। यहाँ पे बात हम जब भी देखते हैं इक्वालिटी की देखते हैं, बल्कि मुझे झुकाव दिखता है रशिया का इंडिया की तरफ। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की बात, अगर इंडिया कोई बात रखता है तो रशिया उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है और हर तरीके से उसमें अपना एक तरीके से योगदान, अपना एक अपनी राय रखता है और वो कोशिश करता है कि मैं इंडिया के ही फैसले में मतलब खुश हो जाऊँ या एग्री हो जाऊँ। मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी जिसमें मैंने देखा कि रशिया जो है तो सुपर पावर, लेकिन इंडिया के साथ इतना फ्रेंडली है कि इंडिया की बात को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वो अपनी बात को प्रायोरिटी नहीं देता इंडिया की बात के सामने। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि इक्वालिटी और फिर दोस्ती, इस कला की दोस्ती। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आने वाला फ्यूचर भी देखा जा रहा है कि आज इंडिया कहाँ है और आने वाले वक्त में कहाँ है। ये जितने भी इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट होते हैं इन हर देश में होते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और आइंदा 10 से 15 साल तक कौन कहाँ होगा, उसी बेस पर ताल्लुकात बनाए जाते हैं। ये सीधा सीधा किसी से कोई, किसी का फेस किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी के कपड़े किसी को अच्छे नहीं लग रहे, किसी की तरक्की किसी को समझ आ रही है, किसी का फ्यूचर किसी को समझ आ रहा है, किसी का अपना तरक्की करना और आज दुनिया में छाए जाने का जो वक्त आ रहा है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो भी ब्लॉक्स होंगे पूरी दुनिया के, तो इंडिया जिस ब्लॉक में होता है, यानी यूँ समझ लो कि इंडिया ख़ुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, इंडिया ख़ुद एक पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ज़मीन के हिसाब से भी, इकोनॉमी के हिसाब से भी, और पूरी दुनिया में आबादी के हिसाब से भी, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इंडिया में बहुत असर रखते हैं, इंडिया की पूरी दुनिया की कंपनीज़ में एज ए CEO काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ले कर चल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में और इस वक्त भी एक बहुत बड़ा असर रखता है इंडिया पूरी दुनिया में। तो उन चीज़ों को देखते हुए दूसरे देश जो हैं वो इंडिया के साथ ही, इंडिया के ब्लॉक में ही या इंडिया को अपने ही ब्लॉक में रखना चाहेंगे, दोस्ती रखना चाहेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा नुकसान ही सही दुनिया से वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है अब इंडिया के हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है कि शामिल तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हर कोई, UK को हमने देख लिया और इसको रशिया को भी हमने देख लिया, एक दो कंट्रीज़ को और भी देख लिया कि वो इंडिया के हक़ में ही बोल रहे हैं कि इंडिया को होना चाहिए। दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगता है कि UNO में और भी बहुत सारे ममालिक के जो PM हैं या प्रेसिडेंट्स हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो आते होंगे, वो बात करते होंगे, वो अपना पक्ष रखते होंगे, स्पीच देते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो डेस्परेट होते होंगे, उनके लोग डेस्परेट होते होंगे, इंडिया आए, इंडिया अपना पक्ष रखे और इंडिया को हम सुने। मतलब इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की। अभी मुझे देखते हुए ऐसा लग रहा था, वीडियो भी देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यार कोई आम बात नहीं है, इंडिया का बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत वाली बात है, और ये जो भी बोलेगा एक तो करके दिखाएगा और दूसरी बात बड़ी बड़ी एक होता है हाँकना, वो नहीं होगा, जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। जैसे SJ Shankar ने बोला, हम बड़ी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। और दूसरी बात ये, इनका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।